NISP सर्टिफिकेशन गाइड फॉर बिगनर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट NISP सर्टिफिकेशन, मतलब NISP सर्टिफिकेशन होता क्या है, इसकी कितनी कॉस्ट होती है, लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट NISP सर्टिफिकेट्स एंड एग्जैक्ट स्टेप्स कैसे आपको NISP सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। Hey there, my name is Kritesh and welcome to Tradements YouTube channel. सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक भी कर दीजिएगा। तो NISP मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इज अ इनिशिएटिव बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उन्होंने ये 2006 में लॉन्च किया था ताकि वो एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ा सके इन इंडिया। तो अगर आप देखो तो इंडिया में बहुत ही कम ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है जो फाइनेंशियल मार्केट में बहुत अच्छी ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो सेबी ने NISP के द्वारा ट्राई किया है कि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर सके। इन एडिशन NISP में आपको बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी मिलती हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 से 1.5 ईयर्स होती है। तो अगर आपने जस्ट बैचलर्स किया हुआ और आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना है तब भी आप NISP को ज्वाइन कर सकते हो। इनकी एक बहुत ही बड़ी 72 acres की कैंपस है जो कि मुंबई पुणे हाईवे में अवेलेबल है और वहां पर आप चाहो तो ऑन कैंपस भी पढ़ सकते हो। इन एडिशन उन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए हैं जिनकी जरूरत पड़ जाती है। अगर आप एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो, सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हो, सर्टिफाइड पीएमएस सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हो या फिर लॉट ऑफ अदर सर्विसेज इन दी फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए हम NISP की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स ये प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन हम ये भी देखेंगे कि उसमें कितना कॉस्ट लगता है। तो अभी मैंने NISP की वेबसाइट ओपन कर ली है और इसकी वेबसाइट है nism.ac.in, और अगर आप NISP की वेबसाइट पर जाओगे तो आप इसकी कैंपस भी चेक कर सकते हो कि कितनी बड़ी कैंपस है। ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया 72 एकर्स की कैंपस है और इसे 2016 में नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। सबसे पहले अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स के बारे में देख ले तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ही ऑफर करते हैं। यहाँ पे इनकी लिस्ट प्रोवाइडेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि 1 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम है और सेम एलिजिबिलिटी। ऐसे ही आप सारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज देख सकते हो जो कि 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर्स की होती है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है टू अप्लाई फॉर दैट वन। और इन एडिशन आप यहाँ पे सेमेस्टर भी देख सकते हो, कब से सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको कितना फी पे करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल और फॉर दिस वन। बट ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स है। अब हम डिस्कस करते हैं सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम में। तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में NISP ऑलमोस्ट 30 डिफरेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं और इसमें डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है। जनरली आपको मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट्स यहाँ पे 1500 से 1800 रुपीज में मिल जाएंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट्स देखो NISP इन करेंसी डेरिवेटिव मार्केट एज अ रजिस्ट्रार, और अगर आप नीचे जाओगे तो रिसर्च एनालिस्ट आप यहाँ देख सकते हो, NISP इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेट जो कि 3000 रुपये का है, NISP सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन सर्टिफिकेशन 1770 रुपीज का है, और अगर आप नीचे जाओ तो रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट है जो कि 1500 का है। तो आप यहाँ पे सारे लिस्ट देख सकते हो, ऑल द लिस्ट आर अवेलेबल। जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 29 सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ की प्राइसिंग ज़्यादा भी है 5900 रुपीज तक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अदर वन जो कि बहुत कॉमन वंस है जैसे रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इसमें प्राइसिंग आपको ऑलमोस्ट 1500 से 2000 रुपीज ही पे करना है। तो आप देख सकते हो कंपेयर टू द अदर कोर्सेज that you might be doing, जैसे CFA या फिर आप MBA करते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट करते हो किसी यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे NISP सर्टिफिकेशन आर वेरी चीपर, एट अ वेरी चीपर कॉस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि किन लोगों को ये सर्टिफिकेशन करना चाहिए, हु आर द वंस हु शुड डू NISP सर्टिफिकेशन। तो ये उन लोगों को करना चाहिए जो कि मार्केट में लाइसेंस लेना चाहते हैं। अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस लेना है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस लेना है, तो उन सब के लिए ये सर्टिफिकेशन मस्ट है। मतलब आपको आरए बनने के लिए NISP रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 आवर के एग्जाम है और यहाँ पे 60% मार्क एटलीस्ट अचीव करना है। तो सबसे पहले तो ये सर्टिफिकेशन वो लोग करते हैं जिन्हें मार्केट में लाइसेंस चाहिए फॉर आरए, आईए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एनी अदर लाइसेंस। सेकेंड फॉर एजुकेशन, तो बहुत सारे लोग जो मार्केट में नए हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है या फिर जिन्होंने फाइनेंस डोमेन में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अगर अपने रेज्यूम में सर्टिफिकेशन लिखना चाहते हैं या फिर रेज्यूम बिल्डिंग करना चाहते हैं या फिर जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए भी करना चाहते हैं तब भी वो ये सारे सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये सर्टिफिकेट्स बहुत महंगे नहीं है, 1500-2000 में मिलता है, और अगर आप चाहो तो 10000 में ऑलमोस्ट 4 से 5 सर्टिफिकेट्स यहाँ से ले सकते हो। एग्जाम प्रिपेयर करने में भी आपको टाइम लग सकता है 2 से 3 महीना, बट हाँ दीज आर नॉट एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि NISP सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, इसमें आपको कैसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। इसमें ऑल द डिटेल्स आपको भरना है जैसे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, टाइटल, एंड आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जैसे आपके फोटो, पैन कार्ड, आधार
आधार कार्ड, ऑल द डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी अपलोडेड हियर। ये आपको रजिस्ट्रेशन फ्री है, इसके लिए आपको एक भी कॉस्ट नहीं लगता है। और एक बार जब आपने सारा डिटेल्स भर के सबमिट कर दिया तो आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में अकाउंट अप्रूव हो जाता है इफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑल द डिटेल्स दैट यू फिल्ड आर करेक्ट। तो 1-2 दिन में आपका अकाउंट खुल जाता है। एक बार जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तब वहां से आप सर्टिफिकेट्स देख सकते हो, आप जिस भी सर्टिफिकेट में इंटरेस्टेड हो आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डेट सेलेक्ट करना है एंड वेन्यू सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से डेट पे वो एग्जाम कर देना चाहते हो, मे बी 1 month, 2 month, 3 month डाउन द लेन आपको वो डेट पिक करना पड़ेगा। इन एडिशन आपको सेंटर भी पिक करना पड़ता है, मतलब जैसे मैं अभी बैंगलोर में लोकेटेड हूँ तो बैंगलोर में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जाके फिजिकली आप वो एग्जाम दे सकते हो। वो आपको दोनों फिक्स करना होता है, वेन्यू एंड डेट। एक बार जब आपने दोनों सेलेक्ट कर लिया तब आपको अमाउंट पे करना होगा 1500-2000, या तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी भी फैसिलिटी से पे कर सकते हो। एक बार आपने पेमेंट कर लिया तो आपको मटेरियल्स मिल जाता है, वो मटेरियल आपको पढ़ना है, गो थ्रू करना है एंड वंस यू आर रेडी आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम आपको सेंटर पे जाके देना है और वहाँ पे अगर आपने नंबर्स क्वालिफाई कर दिया तो अब आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। सो दीज आर द एग्जैक्ट स्टेप्स कैसे आपको NISP सर्टिफिकेशंस मिल जाता है। चलिए फाइनली कुछ और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको NISP में इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस भी चाहते हो मार्केट से तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट में कुछ अदर वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, सोर्सेज भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हो जाता है NSC। तो NSC में आपको NCEFM मिलती है, मतलब NSC सर्टिफाइड फाइनेंशियल मार्केट सर्टिफिकेट्स। तो वहाँ पे भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, ऑलमोस्ट वहाँ पे भी आपको मोर देन 15-20 लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स मिल जाएगी। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, 1500-2000-3000 में आपको वो सर्टिफिकेशंस मिल जाती है। नेक्स्ट आती है BSE। BSE इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल है जहाँ से भी आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सर्टिफिकेशन ले सकते हो। उसमें प्राइसिंग थोड़ी एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू NISM एंड NCEFM। इन एडिशन अगर आपको मार्केट में और भी ज्यादा सर्टिफाइड कोर्सेज चाहिए और भी ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए तो इसके लिए आप फिनग्रैड में भी विजिट कर सकते हो। इसकी वेबसाइट है joinfingrad.com, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज वेबिनार सारे अवेलेबल हैं, आप रजिस्टर कर सकते हो। और फिनग्रैड ने भी BSE इंस्टीट्यूट से पार्टनर किया हुआ है और यहाँ पे भी आप रजिस्टर करके एक जॉइंट सर्टिफिकेशन ले सकते हो जहाँ पे आपको कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा BSE एंड फिनग्रैड की जॉइंट सर्टिफाइड कोर्स, और इसमें जब भी आप एग्जाम क्लियर करोगे आपको ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। सो दीज आर द सम ऑफ द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू NISP सर्टिफिकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू और आपको पता चल गया होगा कि NISP सर्टिफिकेशन एग्जाम होती क्या है और एग्जैक्ट स्टेप्स कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। And if you like the video, please hit the like button and subscribe to us for more interesting stock market and trading videos.